हमारी अगली डांसिंग स्टार ने कथक में 10 साल की ट्रेनिंग ली है, हिप हॉप भी सीखती हैं और कंटेम्प्रेरी की तो बात ही छोड़ दीजिए क्योंकि वो मास्टर टेरेंस की टीम में है। अब जिसको इतने सारे डांस स्टाइल्स आएंगे, डांस की कसौटी वो पार नहीं करेगी तो सौम्या करेगी। ताला बजाइए, पेश है डांस की टोली से डांसिंग स्टार प्याली। प्याली, इस गाने को पी जा, इस गम को पी जा। प्याली, ऑल द बेस्ट। हेलो कविता, मैं पूजा बोल रही हूँ। वीरेंद्र को मुझसे मत छीनो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। कविता, इंद्र को मेरे लिए छोड़ दो, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं इंद्र के बगैर क्यों ना बोले मुझे मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहन, क्यों कैसे मनाऊं है कैसे मनाऊं, उन बिन कटे न रहना, उन बिन आवे न एक पल चैना, उन बिन जियो तो कैसे मैं जियो। That was a nice performance, Pyari. बहुत ही entertaining, बहुत ही कमाल का आपका ये performance था. Master से पूछते हैं कि आखिर उन्हें आपका ये performance कैसा लगा, और हम शुरू करेंगे Master Remo से. Master Remo, Pyari. Yes sir. आपका गाना जब शुरू हुआ था, जब आप ऊपर से आ रही थी, मुझे ऐसा लगा मैं ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रहा हूँ. मुझे आपके एक्सप्रेशन बहुत लाउड लगे और गाना इतना स्ट्रॉन्ग है. ये गाना मुझे लगता है इस एक्ट में गाना आपसे ऊपर चला गया, आपका एक्ट थोड़ा सा गाने से नीचे हो गया. क्योंकि जब भी कोई गाना लेते हैं हम लोग, उसको जब कंपोज करते हैं, उसको जब स्पेशली कसौटी में लेके आते हैं, तो हम चाहते हैं कि दोनों के दोनों का मेल इतना स्ट्रांग हो कि वो गाना भी उतना ही ऊपर आके लगे जितना आपका परफॉर्मेंस है. पूरे एक्ट में अगर थोड़ा सा मूवमेंट वाइज सटल करती तो बहुत अच्छा लगता. नी स्पिन में मुझे लगा कि आपका जो नी स्पिन था वहाँ पे उतना स्मूथ नहीं था. बाकी जो डांस था वो मुझे इट वाज नाइस. थैंक यू सो मच मास्टर रेमो. मास्टर गीता, आपको प्याली का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा? प्याली है ये बहुत खूबसूरत डांसर, लेकिन आई थिंक जो डिस्कनेक्टिंग फैक्टर था वो ये था कि कंसिस्टेंट एक्सप्रेशंस नहीं थे. क्योंकि आपने जिस हिसाब से शुरू किया, अगर वो कंटिन्यू करती तो शायद वो एसेंस जो आप बनाए रखना चाहती वो बना रहता, और वो हुआ नहीं बिकॉज यू ड्रॉप्ड इट द मोमेंट यू टू डू पीसेस. तो आप फिर सटल हो जाती थी एंड देयर टू बी अ हल्का सा स्माइल विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सॉन्ग. क्योंकि आप जो दर्शाना चाहती थी वो पेन था, वो पेन हम तक नहीं पहुंचा शायद, या मुझ तक नहीं पहुंचा. सो आई जस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच मास्टर गीता.
मास्टर टेरेंस, पियाली, जब हम ये कोरियोग्राफ कर रहे थे तो हम बहुत डिबेट में आए थे कि कैसे ये गाना हम करेंगे एंड हाउ डू वी जस्टिफाई एक औरत जिसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया है किसी और औरत के लिए और वो पेन कैसा होगा. कुछ चीज़ें लाउड करनी थी, कुछ चीज़ें सेटल करनी थी और मेरे हिसाब से वो शायद नहीं, इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि आप कुछ मूवमेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करके वो करें एंड सम मोमेंट्स वॉज सेटल. लाइक फॉर एग्जाम्पल जब बीच का गाना आया, कोमल पड़ी है सांसों की डोरी, वहाँ पर आपने जिस तरह से वो ठहराव बिठाया, इट वॉज सांसन की डोरी. हाँ, अभी रही बात गलतियाँ की, जहाँ पर आपने गलती की, जैसे गीता माने पकड़ा चक्कर पर, वो चक्कर का वहाँ पर वो बीट छूट गया आपसे, आई कंप्लीटली अग्री, बट अदरवाइज योर एंटायर परफॉर्मेंस वॉज ब्रेथ टेकिंग, सो आई जस्ट लव्ड लव दिस परफॉर्मेंस. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच मास्टर. ग्रैंड मास्टर, आपको पियाली का ये परफॉर्मेंस कैसे लगा? पियाली कमन आछो बालो आछ ओके. ये ऐसी एक कसौटी है जहाँ एवरीबॉडी हैज टू बी एट द टॉप लेवल, यू नो, अंडरस्टैंडिंग. So nothing to worry about. ये सुनने को मिलता है. This can be different. Okay, thank you very much. Thank you, Dada. And all the best. Thank you. Thank you. Thank you so much, Grandmaster. And thank you so much, Piyali. Thank you. Yeah, dance India, dance.